जय गुरुदेव। कार्तिक मेला 2023 के अवसर पर यह सुने, 2 नवंबर 2023 को दादा मियाँ का कुल शरीफ होने जा रहा है। देवा की धरती दीपों की नगरी है, जहां हुजूर वारिस पाक ने जन्म लिया है और जहां वारिस पाक ने मानव चोला छोड़ा है और जहां आपका मज़ार शरीफ है। हुजूर वारिस पाक अपने जीवन काल में दादा मियाँ की मज़ार शरीफ पर उपस्थित होकर दादा मियाँ का कुल शरीफ कार्तिक की करवा चौथ को किया करते थे। दाम्पत्य जीवन में स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा पूजा करती है। पति के प्रेम में स्त्री करवा पूजा के लिए नाना प्रकार के पकवान पकाती है और पति को खिलाती है। श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत होकर वारसी परिवार ने मेल मिलाप, प्रेम भाईचारा की मिसाल कायम करते चले आ रहे हैं। मेला कार्तिक में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल दिखाई देती है। जहां दादा मियाँ का कुल शरीफ संपन्न होता है, वहीं कई तरह के खेल प्रतियोगिता, मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन भी होता है। देवा मेला और प्रदर्शनी समिति द्वारा शांति सद्भाव एवं कौमी एकता की धारा प्रवाहित के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। यह आयोजन मेला कार्तिक के समय तक सीमित हैं। यदि इनको आगे बढ़ा दिया जाए और निरंतर प्रयास किया जाए तो शांति सद्भाव कौमी एकता समाज में स्थापित हो सकती है। जो रब है वही राम का संदेश देने वाले विश्व गुरु ने सर्वजाति और सर्वधर्म के लोगों के कल्याण के लिए नया आदेश, नया शिक्षण और नया धर्म की स्थापना किया, जो न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। केवल उनके अनुसरण की आवश्यकताएं हैं। प्रेम और ज्ञान की धारा का संचार मानव जाति में किए जाने के प्रयास युद्ध स्तर से होने चाहिए। विश्व गुरु वारिस ने प्रत्येक मानव के मार्गदर्शन के लिए वचन, शिक्षण और निर्देश दिए। वचनामृत में से यह सुने, खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम में छिपकर सबको धोखे में डाल रखा है, बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, ब्रह्म पहचानो, पहली बार एक आत्मा और एक ज्योति मानव चोला में आई, वही मानव चोला मनु और सतरूपा की वंशावली है। मनु और सतरूपा ही सबके वंशज हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध,
के शरीर की बनावट एक जैसी है। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। शरीर में आत्मा का संचार है। जो सांस के स्वर हैं वह कुछ समय के बाद बदलते रहते हैं। बदलने के समय दोनों स्वर चंद्र और सूर्य स्वर सम अवस्था में चलते हैं, जिन पर धर्म और आध्यात्म निर्भर है। सर्वधर्म का आधार आध्यात्म है। सांख्य दर्शन में द्वैत भाव है, वेदांत में अद्वैत भाव है। सब जिसकी अभिव्यक्ति किसी भाषा से नहीं हो सकती है वह ब्रह्म शब्द है, और ब्रह्म रूप जिसकी अभिव्यक्ति किसी भाषा से नहीं हो सकती है वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म माया से रहित है। ब्रह्म शब्द बोध का विषय है। ब्रह्म शब्द बोध का विषय है। ब्रह्म रूप साक्षात्कार का विषय है। सर्वप्रथम निरंतर जाप इस तरह से करें कि चैन न टूटे। उसके बाद निरंतर ध्यान इस तरह से करें कि चैन न टूटे। राम नाम हो या रब नाम हो, उनका जाप निरंतर किया जाए। नाम की बड़ी महिमा है। नामदान की परंपरा चली आ रही है। वह नाम जो शाश्वत ध्वनि में जगत में विद्यमान है वही राम अथवा रब है। शब्दों से संबोधन किया गया है। एक संस्कृत भाषा में संबोधन है तो दूसरा अरबी भाषा में संबोधन है। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू ने अनहदनाद की कैफियत नज्म हिंदी में लिखा है, जो यह है। एक ही भवर गूंजा रसी दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली ना सातवें बहीर जुगाजे, आठवें शब्द मृदंग का नवें फकीरी नाल, दसवें गर्जे सिंध सांस खुसरू ने कह दें, अनंत बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दोहाई खुसरू ने अंतर लौ लाई। श्री विश्व गुरुवारे के एहराम पोष फकीर औघर शाह वारसी ने यह कहा है। प्रीत किए धन धर्म गया और बिगड़े सारे काम, अपने थे सो बैरी हुए मुफ्त हुए बदनाम, प्रीतम तुम परदेश गए और ले गए मोरा चैन, तुम्हरे कारण राम दुहाई कल्पत हूँ दिन रैन, वारिस दातान बचाओ ना फसी मझधार, साईं अपना दया करो कि लागे बेड़ा पार, धनी करे कंगाल को साहब गरीब नवाज, वारिस गुरु का दासी औघट करत है जग में राज, मधुआ पिया प्रेम का तो बोला हक मंसूर, औघट अब चुप साधियो कि बात न पहुँचे दूर, मथुरा बासी कुंवर कन्हैया मोहन प्यारे बंसी धारे, जन्म के राजा सुंदर छैला मोर गुसाई श्याम बिहारी, बाकी सज धज ठाठ अनोखे चंचल चाल प्यारी बतिया, सनोली सूरत नयन रसीले तिरछी चितवन छल बल न्यारी,
सबके साजन जग के दाता बिगड़े का सवारन हारे साई मोरी झोरी भर दे तो तार द्वार ठाल बिखारे अहमद बन के धर्म बतायो हैदर ठाट में जोर दिखायो करबल में खुद प्रीत जतायो मार लियो तुम आप कटारी वारिस रूप किए जब राजा देवा नगरी यान बसायो गिर्द बने आस बोलत जग में तुमरी सब जय सब नर नारी अगम समुद्र नाव न बेड़ा रहना देरी बाट न जानी वारिस दाता आन बचायो औघट राखे आस तुम्हारी घट घाटी घाट न औघट जाने न जाने कौनो राह कृपा भई गुरु वारिस की जो हो गए औघट शाह औघट जोग वही निराला अपनी सुध बिसराओ माया मोन मन में आवे वारिस के गुनगाओ चेला कान है जेब गुरु कहत है साधु लोग बचन सुनो संसार के अगर तब है पूरा जोग भोजन में ये ध्यान रखे करत है प्रभु भोग अगर जोगी रस न चाखे यही है भोग में जोग ध्यान गुरु को बिस्तर मानो गुरु मंत्र को जानो भोग बोलो अगर जय गुरु की यही है उत्तम जोग ज्ञान नहीं तो ध्यान नहीं और ज्ञान से है सब जोग मूरख चेला रहे भिखारी कहे ये ज्ञानी लोग अस ज्ञान से तो अज्ञान भला की बिगड़े सगरो काम अवघट ज्ञान और है मिलत हैं जैसे राम ज्ञान मिटे तब ध्यान जमे और ज्ञान से हो विश्वास प्रेम डगर में देखा अगर ज्ञान न आवे पास गंगा के स्नान से कलेश कटे सुख पाए प्रेम कुंड में लेखा ये है जो उतरे जल जाए प्रेम नगर में काम न आए धन धर्म बुद्धि लाज साचे मन पी कर्मा करो तो मिले कृष्ण महाराज अगर जुआ प्रेम का कभी न जिसमें हार दांव पड़े तो मिले गोसाई हारे बेड़ा पार शुद्धि बीच पग आगे राखो ठहरो न एक ठाँ अगर जोगी चलता भला फिरो छोड़ बस जायो अगर दम के संग रहो तजो ये काया ठाट घर छोड़ जाए प्रगट बसो तो मिले निरंजन घाट हुकुठी सुन बांसुरिया कल्पत हूँ दिन रैन मोहन तुमरे दरस बिना हृदय पड़े न चैन कान खोल अवघट सुनो पिया मिलन की लाग तन तंबूरा सांस के तारो बाजे हरि का राग अवघट पूजा पाठ तजो लगा प्रेम का रोग सतगुरु का ध्यान रहे यही है अपना जोग नारायण का अंत न पाया माला जप का की राम मिलन की विध सुन अवघट पहले गुरु को चीन दया गुरु की दिन दूनी और गुरु न छोड़े साथ गुरु बसे संसार में और गुरु हमारे पास गुरु हमारा जन्म का राजा गुरु हमारा अगर तुम गुरु मंत्र को जापो गुरु की राखो याद अगर सांच को आँच न लागे जानत है संसार साई धनी है दुख न आवे साचा रहे व्यवहार अगर मस्जिद मंदिर भीतर एक ध्यान समाए पीछे दे में राम दरस जो पहले दुविधा जाए जोगी भोग वो करे जो बिन मांगे मिल जाए
अगर दुनिया यूं तजो कि मन में लोभ नाय। सोते सारी रेन कटी भोर बय अब चेत, अगर चिड़िया काल की चुनेगी तेरा खेत। गुरु गोविंद को एक विचारो दुविधा दुख निकाल, गुरु को अवगत और न जानो गुरु है दीन दयाल। अनहोनी की सोच में बिसरी हर की याद, जन्म अमूल लिखा आपा अवगत हुआ बर्बाद। देखे पंडित साधु योगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया अवगत चार अलंग। अवगत घट में प्राण बसे और प्राण बीच एक चोर, जो पकड़े इस चोर को वह जोगी सहजोर। हर हर में अवघट हर बसे, हर हर को हर की आस। हर को हर हर ढूंढ फिरा और हर है हर के पास। अवघट हर को चार अलंग ढूंढत है संसार, बगल में बच्चा नगर ढिंडोरा उसका नहीं विचार। अवघट रहो प्रेम की भक्ति जब तक घट में प्राण, पूजा करो कृष्ण की और जमुना में स्नान। अवघट जोगी वह बने बांधे वही लंगोट, तजे कुटुंब की ममता और धोवे मन की खोट। अवघट गया प्रयाग में मिला न वो करतार, गुरु की दया से देख पड़ा टटी ओट शिकार। साधु अवघट शब्द को साधे जोगी करे सब जोग, उस डगरिया मिले गोसाई नाव नदी संजोग। राम मिलन का लेखा सुन ले हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। मन मथुरा दिल द्वारिका सेवा करो दिन रैन, नित दिन अवघट मिले गुसाई हुआ जन्म का चैन। नयन नीर बहा के पूजी गए सब हार, अवघट हाथ पसार चले साई के दरबार। रह न धीरी बाट ने सूजी ताक में हरि बिरियार, अवघट धर्म ये राखना गुरु करे निस्तार। अगम समुद्र पाप का बूझा नाव फसी मझधार, अवघट गुरु का ध्यान रहे करेंगे बेड़ा पार। बूढ़ी मूरत पीर कहावे मेरा पीर जवान, अवघट अपने पीर की सूरत को पहचान। हाथ न आता पीटती अवघट सदा लकी, सदके अपने पीर के जिसने किया फकीर। लक्कड़ तापे धर्म बड़े तपसी कहावे सन, प्रेम अग्नि अवघट करे धन धर्म विश्वसमंत। दुखिया रहे प्रेम का भक्ति नयन नीर बहाय, भूले भी सुख पास न आवे मन की पीर कल पाय। अवघट जोग जोगी करे राम मिलन की आस, प्रेम ध्यान वह जोग है जो करे धर्म की नाश। अवघट जन्म में एक बेर सती होत है नार, प्रेम अग्नि में जले प्रेमी दिन में सौ सौ बार। मधुआ पियो प्रेम का बन में करो अस्थान, मनमोहन के ध्यान में अवघट तजो प्राण। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। मैं पापिन सुन बासुरिया गई कृष्ण के पास, बांगे मन मोह लिया और की धर्म की नाश। मुक्ति होए कलेश कटे कटे जन्म का पाप, सतगुरु के नाम का अवघट हृदय माला जाप।
साईं का घर दूर है और साईं मन के तीर, साईं से व्यवहार करे ओ घट वही फकीर। साची प्रीत बसे किरण बने कठुरा देन, जैसे कबरा कृष्ण को ले गई ओ घटशीन। किदि महिता मोना आवे ओ घट कोने का, कुबरा ऐसी प्रीत करो कि मिले कृष्ण महाराज। दया बराबर धर्म नहीं प्रपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं गुरु मंत्र बराबर जाप। गुरु हमारा एक है और वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की गुरु जो राखे टेक। चेला नैन ज्योति गुरु ज्ञानी बचन ये बूझ, बिन ज्योति नैन देर औगुन औगुन बिन गुरु पड़े न सूझ। ज्ञानी पंडित यूं कहे सूरज की देखो धूप, सुंदर तुरिया सुडौल पुत्र नारायण का है रूप। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, औघट गुरु दया करे तो पल में निर्गुण होई। रोके काम कामना इंद्री राखे साध, सुंदर के तप दर्शन करे नहीं तो है अपराध। अपने गांठ कौड़ी नहीं पर धनी है दीन दयाल, औघट जग में धनी का दासी होत नहीं कंगाल। सजनी पाती तब लिखूं जो प्रीतम हो परदेश, तन में मन में पिया बिराजे भेजूं किसे संदेश। आसन मारो दुविधा झाड़ो अपनी सुध बिसराओ, मिलेंगे काया कूट में प्रभु औघट कहीं न जाओ। पाती लिखना भूल है सजनी चित्र है दीन दयाल, अस ज्ञानी दूसर नहीं कि जाने मन का हाल। पाती लिखूं तो भूल बड़े बिथा कहे अज्ञान, जानत है वह बिन कहे प्रीतम चित्र सुभान। सखी न पाया ठोट ठिकाना पेग फिरा चौदेश, साजन का घर दूर नहीं भेजूं कहां संदेश। प्रीतम तुमरे संग है अपना राज सुहाग, तुम नहीं तो कुछ नहीं तुम मिले तो जागे भाग। मांग गए मुझ पापिन की तब एक बचन सुन लियो, निर्दिन विपता पड़े गोसाई अपना दर्शन देव। साईं ऐसा मगन करो न रहे न सोच विचार, दुख में सुख में क्लेश में गाऊं भजन त्वार। प्रीतम सब सुंदर सही पर हमें भी तुमरी आस, भूले भटके आओ गोसाई कभी तो हमरे पास। हर कहीं और कहीं नहीं और बदले पल पल भेस, ऐसे पिया हर जाई को भेजू कहाँ संदेश। अगर जो ही औघट जोगी वही गुणी जो अपनी सुध बिसराए, ज्ञान रहे और ध्यान रखे और सांस न खाली जाए। एक बचन प्रेम से करें जो नंद कुमार, तन मन जीव और धन धर्म फेंकू शीश उतार। मूर्ख मन को लाख सुझाया प्रीत भली ना होए, कर्म का फूटा मानत नाही जन्म कटेगा रोए। धरती मथुरा वृंदावन की पूजो सखी दिल खोल, पगरा के नंद लाल ने तो माटी भी अनमोल। सखी जो प्रीतम संग रहे उसका पूरा सुहाग, सात दीप की रानी जानो किसके ऐसो भाग। इलाही जिस दम लबों पर दम जहाँ हो सिर्फ सनाए वारिस, कि दिल में शौके विशाले वारिस हो आँख महवे लकाए वारिस। जहाँ में अपनी नज़र से गुजरे हजारों खुसरू हसीन लाखों, मगर न देखी यशान खूबी जुदा है सबसे अदाए वारिस। न पूछ वाइज हमारा मशरब नहीं है दैरो हरम से मतलब,
ज़माना जो करके बैठे हैं दीनो ईमा फिदाए वारिस, कहाँ का पर्दा हिजाब कैसा खुदा भी पूछे तो साफ कह दे, हमारी मिल्लत है इश्क वारिस हमारा ईमा विलाए वारिस, जो सबकी मुश्किल में काम आए करे गरीबों की दस्तगीरी, लगाए बेड़ा जो पार ओघट नहीं है कोई सिवाए वारिस, है मानिए फ़ी अनफुसकुम उस पर होएदा ओघट व समझता है मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ।